देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि ये जो कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का मामला होता है ना, इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो खुद जो कोर्ट है और जजेज है वो होते हैं। ये मामला बड़ा रेयर होना चाहिए। अदालत को अपनी तोहीन के बारे में इतना ज्यादा मोहतात होना पड़ता है कि अगर मैं आपको माफी चाहूंगा, अगर एक मिसाल देना चाहूं कि आम तौर पे आपने देखा है गांव में या देहात में या हमारी शादी ब्याह के मौके पे बास खवातीन वो जिन्होंने कभी जिंदगी में कोई जेवर या कभी कोई मेकअप नहीं किया होता, लेकिन वो कभी अपनी बेटी अपने की बेटे किस तकरीब के लिए वो तैयार होती हैं बड़े अच्छे तरीके से, और वो जेब तन करती हैं, टुम्बे पहनती हैं, टीका लगाती हैं, तो हर कोई उनकी जिस दिन देखता है वो तारीफ करता है। मैं माफी चाहता हूँ, एक हमारे यहाँ बाजार ऐसा भी है जहाँ पे ये जेवर पहन के कोई लोग और नुमाइश के लिए हर रोज बैठती हैं। इतना ज्यादा इसलिए इसको जो मुफक्रीन हैं उन्होंने कहा था कि ये इसको रोज का बैठना नहीं बना लेना चाहिए, ये कभी कभी हो तो ठीक लगता है। तो मुझे सबसे पहले ये है कि ये मैं मानता हूं कि अदालत के फैसलों पे तनकीद हो सकती है, खुद कोर्ट की जजमेंट्स हैं, खुद रिमार्क्स हैं मौजूद जज साहबान के कि अदालत के किसी फैसले के बारे में राय दी जा सकती है। अब लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि हमारे यहाँ बाज़ोकात कुछ मामलात को जातियात की हद तक ले लिया जाता है, ये हर तरफ से है हमारे। सही। अब यहाँ ये बात हुई ज़ाहिर अल्फाज का चुनाव जैसे बात हो रही थी, वो इतना आसान नहीं होता कि कोई आदमी अपनी पूरी बात कह भी दे और वो अल्फाज का इंतखाब इतना मुनासिब करे कि उसमें वो ये भी एहतियात हो जाए वो अपनी बात भी कह जाए। सही। लेकिन ये देखना ही होता है, मैं आपको बताऊं मौजूद अदालत को जी। देखें अदालत और वो भी हाईएस्ट कोर्ट जिसको आप एपिक्स कोर्ट कहते हैं जी, उसने तो लम्हा बलम्हा इस बात का ख्याल रखना होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बात हो रही है उसमें सही। आगे मजीद जब बातें होंगी तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि और कहीं तोहीन तोहीन का पैरों निकल आए। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि इसको अभी भी अदालत को भी बड़ा दिल करना है और बड़ा हौसला करना है, और अगर ये मामला चल पड़ा तो आप देखेंगे कि फिर इसमें कोई फिर बाकी नहीं बचता, फिर तो रोज ऐसी बातें होती हैं कि आप हर रोज हर एक को बुलाएंगे। तो मैं गुजारिश ये करूंगा कि जिन्होंने अदालत से माफी मांगी है या खुद को अदालत के रहमो करम पे छोड़ा है, जो हमारे यहाँ आम रिवाज है कि कंटेम्प्ट के केस में ना आप कभी भी प्लीड नहीं करते या आप कभी स्टैंड नहीं लेते कि आपको अदालत खुद फैसला करे और मेरिट पे जजमेंट दे, आमतौर पे लोग अपने आप को सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, सपोर्ट करने का मतलब होता है कि अदालत भी फिर एक आप कह लें कि जो अदालत का वकार है और उसकी जो शान है वो उसके मुताबिक जो है वो इस मामले को देखे, ताकि ऐसा ना हो कि मजीद उंगलियां उठें आला अदालत पे जो कि मुनासिब नहीं होता।